चलिए दोस्तों, आज है हमारे पास सैमसंग की वॉशिंग मशीन और इसकी जो ड्रायर वाली मोटर है वो दोस्तों फूक गई है। तो आज हम ड्रायर वाली मोटर ये हमारे पास है इसको चेंज करेंगे और साथ में इसका जो बम्फर होता है यानी कि जो सील होती है उसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है, जितने भी देखिए पैनल के पेच होते हैं इसको निकालने हैं आप लोगों को, जितने भी पेच होते हैं वो खोल लेंगे। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, ये जो हमारी वायरिंग है तो वायरिंग आप इस हिसाब से भी काट सकते हैं जो आप लोगों को याद रहे। ठीक है, जहां से आप लोग वायरिंग काटे वहां से आप लोग क्या काम करें, फोटो एक बार खींच लें जिससे आप लोगों का बढ़िया रहेगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये जो बेल्ट होती है हमारी, इस बेल्ट को गियर बॉक्स से उतार देना, तो हमारी जो मोटर वो दोस्तों एकदम फ्री हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अब जितने भी वायरिंग है मैं तो अपने हिसाब से काट रहा हूँ, आप अपने हिसाब से काटना है। जहां जहां से वायरिंग आप लोगों को काटनी हो वहां से क्या काम करेंगे आप लोग, डायरेक्टली फोटो ले लें, सबसे बेहतरीन हिसाब है। अगर इसकी वायरिंग आप लोगों को चाहिए कि किस प्रकार से आप लोगों को वायरिंग मतलब करनी है तो वायरिंग की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद ये ब्रिक आप लोगों को निकाल देने हैं। अब देखिए हमारे ब्रिक वगैरह और ये सारी वायरिंग जो है एकदम अलग हो चुकी है, मैंने अपने हिसाब से इसको काटा है। ठीक, अब देखिए जो हमारे ड्रायर की मोटर के ऊपर पुली होती है उसके ऊपर दो पेच पेच लगे हुए होते हैं, तो ऊपर का पेच आप लोगों को सबसे पहले खोलना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को देखिए सैमसंग की मशीन है या एलजी की है तो इस प्रकार का आप लोगों को ड्रायर पे वो मिल जाएगा ऊपर ढकना सा। ठीक है, किसी में एक पेच दिया होता है और किसी में दो पेच यहाँ पर दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे तो हमारा ये वाला पैनल इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप लोगों को ये वाला जो ड्रायर है आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, देखिए इस प्रकार से, अब ये जो हमारी सील है इस सील की फटने की वजह से हमारी मोटर फूकी है। ठीक है, यानी कि इसमें पानी भरा उसके बाद मोटर में पानी चला गया सीधा, तो हमारी मोटर फूक गई। अब इस प्रकार से आप लोग जब ढकने को निकालेंगे हमारा ये जो इस प्रकार से इसका ऊपर को निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जैसे गोदरेज की है और एलजी की है जो जिसका ऊपर को ढकना निकलता है। ठीक, अब डायरेक्टली हम ये जो तीन पेच आप लोग देख रहे हैं, तो तीन पेच जब खोलेंगे मोटर के जो कोने होते हैं तीन पेच खुले हुए होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनको आप लोगों को बेहतर तरीके से खोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, खुल जाएंगे आराम से पेचकस की मदद से। तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, वॉशिंग मशीन से मोटर एकदम अलग हो जाएगी। ठीक, देखिए अब ये हमारी जो वॉशिंग मशीन से मोटर है वो एकदम अलग हो चुकी है बिल्कुल ही। अब इसकी पुली है और सबसे पुली खोलने के लिए देखिए इस प्रकार से इसको नट को हमें खोलना होगा, उसके बाद पीछे की साइड कुछ फांसेंगे और हमारी मोटर बहुत ही आराम से इसकी जो पुली है इस प्रकार से फांस के, और जब पुली इस प्रकार से हम घुमाएंगे तो हमारी पुली थोड़ी यहाँ पर टाइट निकलती है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा जोर लगाएंगे और हमारी पुली जो है दोस्तों वो आराम से बाहर आ जाएगी, देखिए इस प्रकार से आ गई है। ठीक है, अब जो है हमारी यह है प्लेट यानी कि ब्रिक प्लेट बोलते हैं इसको, तो इसकी ब्रिक प्लेट जो वो ख़राब है, तो सबसे पहले इसके दो पेच इसमें है, किसी मिस्त्री ने पहले भी चेंज किए तो दो ही पेच डाले हुए हैं इसमें, तीन पेच नहीं है, तो यहाँ पर हम तीन पेच भी डालेंगे जब नई मोटर डालेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। मोटर चेंज करना ज़्यादा भारी बात नहीं है, आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये हमारे पास मोटर है और मैं आप लोगों को बता दूं ये लोकल मोटर है जो 300-400 रुपए में आ जाती है। ठीक, ये ओरिजिनल मोटर नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम प्लेट को लगा लेते हैं ऊपर इस प्रकार से। देखिए जितने भी यहाँ टाइट आप लोग पेच खींचेंगे उतना ही आप लोग बेहतर रहेंगे। ठीक है, तो टाइट से टाइट आप लोगों को पेच को यहाँ पर खींचना है। ठीक, जिससे हमारी मोटर चले तो घड़ घड़ की आवाज़ आती है ना, वो तो प्लेट हमारी कभी कभी हल्की रह जाती है, खींचती नहीं है, जिससे हमारा होता है। ठीक, अब देखिए हमारी ये पुली है वो इस प्रकार से खींच गई है और अच्छी तरीके से कर रही है, जिस प्रकार से हमने नट को खोला था उसी प्रकार से हम डायरेक्टली इसको नट को भी लगा देंगे। देखिए इस प्रकार, ज़्यादा नहीं खींचना है क्योंकि ये एल्युमिनियम की पुली होती है, आप लोगों की ख़राब हो जाएगी। ठीक, अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ये मोटर डाली थी उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसके ब्रेक भी निकले हुए हैं, तो हम एक मिनट इसको ब्रेक खींच देते हैं। खींचने के बाद जो मोटर हमने जिस प्रकार से खोली थी उसी प्रकार से सेम यहाँ पर हम मोटर को चढ़ा देंगे यानी कि लगा देंगे। ठीक है, मोटर लग गई है, बारी बारी से जो तीन पेच हमने खोले थे उन तीन पेचों को आप लोगों को लगा देना है पेचकस की मदद से। ये वाला सिस्टम आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से पेच खींचने हैं जिससे कि हमारी मोटर बिल्कुल भी ढीली नहीं रहे। ठीक है, अगर मोटर ढीली रहेगी तो ड्रायर घट घट की आवाज भी हमारा यहाँ पर करेगा। ठीक, तो आप लोग हमेशा कहें कि जो हमारे पेच हैं वो बहुत ही टाइट करके आप लोग खींच दें जिससे कोई भी प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन में नहीं आए। ठीक है, अब ये हो चुकी है हमारी, अब देखिए लगाते हैं हम सील। सबसे पहले हम पुरानी सील को यहाँ पर खोलना पड़ेगा बम्फर को, तो पुरानी जो बम्फर है हमारा जो चूड़ी वाली बम्फर है इसको हम खोलेंगे, तो ये थोड़ी टाइट हमारी खुल रही है, बाकी इतनी टाइट नहीं खुलती है क्योंकि दूसरे मिस्त्री ने जब इसको बदला था तो उसने क्या काम करा था,
जो हमारी फेविकॉल वगैरह आती है वो लगा दिया था, जिससे हमारी सील बहुत ही टाइट हो गई थी। ठीक, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, अगर गोल वाली चूड़ी आप लोग सील लगा रहे हैं तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग बम्पर पे कुछ मतलब चिपकाने वाली चीज़ लगाएं, तो आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए हमारी ये जो सील है वो निकल चुकी है, और देखिए यहाँ पर इसमें उनने रबड़ में भी इसमें चिपकाने का सिस्टम ये लगा दिया था। तो नई सील हमारे पास रजा कंपनी के, जो कि ओरिजिनल कंपनी की हमारी आती है। ठीक है, रजा की आप लोग सील कम से कम 80 से 90 रुपये की मिल जाएगी मार्केट में, तो रजा की सील ही आप लोग लगाएं, और ओरिजिनल में आती है रजा की सील। ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार से हमने खोली थी, देखिए इस प्रकार से कड़ा इसका जो खींच देंगे और टाइट अच्छी तरीके से हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए बम्पर लगाने का कितना आसान तरीका है आप लोग देख सकते हैं। तो पेचकस की मदद से इस प्रकार से हम यहाँ पर ठोक ठाके करके इसको सील को लगा देंगे, जिससे कोई आगे को प्रॉब्लम नहीं पड़े, खुले नहीं। सही है, देखिए लगा चुके हैं। अब जिस प्रकार से हमने इसको ड्रम को निकाला था, उसी प्रकार से ड्रम को वापस भी हमें लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वाशिंग मशीन थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बैठाना है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम पड़ जाती है जब हम इसको बैठाते हैं, तो बैठती भी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। तो उसके बाद देखिए हमारी जो वाशिंग मशीन है बैठ चुकी है, उसके बाद हमारा जो ड्रायर है वो हमने निकाला था, उसको ड्रायर को हाथ डाल के ही देखिए इस प्रकार से हाथ डालेंगे, तभी आप लोग लगाएं सील पर अच्छी तरीके से, अन्यथा आप लोग ड्रायर को ऐसे ही लगाएंगे तो हमारी जो सील है वो डायरेक्टली फट जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रायर के ऊपर जो पेच खोले थे, उन पेचों को यहाँ पर देख लेंगे कि आमने सामने है क्या नहीं है। तो आमने सामने जैसे ही हमारे ड्रायर का छेद आए, तो उस प्रकार से आप लोग उसको खींच देंगे बहुत ही आराम तरीके से। इस प्रकार से देखिए हमारी जो वॉशिंग मशीन का सिस्टम है कंप्लीट हो चुका है, और जो हमने ये ऊपर से पैनल खोला था ड्रायर हटाने के लिए, उस पैनल को भी लगाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वायरिंग। ठीक, सबसे पहले जो हमने बेल्ट उतारी थी, गियरबॉक्स पर बेल्ट चलाएंगे, यानी कि जो चीज़ें हमने करी थी वही चीज़ हमने वापस भी लगानी है, यानी जो खोली थी वही चीज़ हमें वापस भी लगानी है। वायरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले ये जो हमारे नीले नीले तार है, मतलब कलर वाइज कलर यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल मोटर है और लोकल मोटर है उसमें कलर वाइज कलर ही आता है। जो कंडेंसर के तार हैं वो भी डायरेक्टली हम कलर वाइज कलर बांधने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि कलर वाइज कलर भी नहीं तार होते हैं, तो आप लोग क्या काम करें, तार लगाने से पहले आप लोग अच्छी तरीके से चेक कर लें इसको कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है तार किस प्रकार से हमने तोड़े थे, हटाए थे। ठीक है, उसी प्रकार से काम करें, जितना अच्छे तरीके से काम करोगे उतने ही बेहतर रहोगे आप लोग। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को वायरिंग समझ में नहीं आ रही है तो डायरेक्टली आप लोग उस वायरिंग का फ़ोटो खींच लें, जब आप लोग फ़ोटो खींच लेंगे तो काम आप लोगों का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही आप लोगों को परेशानी होगी अगर आप लोग फोटो खींच लेंगे तो। ठीक है, तो वायरिंग देखिए हमारी डायरेक्टली कंप्लीट तकरीबन हो ही चुकी है, हमारी वायरिंग कंप्लीट हो ही चुकी है, और वॉशिंग मशीन की जो मोटर है किस प्रकार से चेंज करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया बहुत ही आसान तरीके से। और जितने भी मतलब वायर हैं वो अच्छी तरीके से, यहाँ आप लोगों को क्या काम करना है, जो टैप वगैरह होता है टैप लगा देंगे, उसके बाद सारे वायरों को एक जगह करके आप लोग पन्नी बांधने की कोशिश करें, जिससे हमारा जो जोड़ों तक पानी वगैरह भी पहुंच जाए एक बार टैप पे, तो वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती हैं वो ना फूकें और उसमें करंट नहीं आए। ठीक है, तो आप लोगों को ये कर देना ही है। तो मैं मानता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है कि वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर को किस प्रकार से चार्ज करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।